रवि जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू शुक्रिया सारे दर्शकों को। रात अकेली है देखने के बाद तो कहीं ना कहीं आपसे नफरत सी हो गई। आपके जो कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। अभी आपको मुझे देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा होगा, मतलब कोई खौफ। आई मीन दैट्स अ रियल लाइफ एंड इट्स अ रियल लाइफ, सो मैं इतना स्केरी तो नहीं दिख रहा हूँ आई थिंक। नहीं देख रहे, लेकिन वो जब कैरेक्टर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं दहशत ऐसे आ जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपके जहन में, क्योंकि कभी हमारे तारुफ उस तरीके से हुआ नहीं है, स्क्रीन के माध्यम, अभी भी स्क्रीन के माध्यम से ही हो रहा है, बट मैं कैरेक्टर में आई एम नॉर्मल रवि शाह एज एन एक्टर। ठीक है, वो कैरेक्टर था केवल, और ये रवि शाह आपसे रूबरू है। सो यही एक क्वालिटी होती है एक्टर की, जब उसके कैरेक्टर को लोग, अगर विलन का कैरेक्टर लोग नफरत करने लगे, बट रियल लाइफ में उन्हें पता चले कि वो कितने प्यारे कितने अच्छे हैं। Definitely, देखिए ये being an actor, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, और उस कैरेक्टर की सफलता है। हमें वो जो कैरेक्टर प्ले किया गया मेरे द्वारा, उस कैरेक्टर की सफलता है कि उससे उस कैरेक्टर ने कन्विंस कर दिया लोगों को, और हेटेड मतलब उससे मतलब हिट करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब कि यार यक, ओह माय गॉड, अगर तो दहशत पैदा करना है जिसको बोलते हैं, तो अगर ऐसा हो गया है वाकई, और आपने अगर देखा है तो अगर आपके जहन में भी ऐसी ही बात है, तो दैट मीन्स द कैरेक्टर इज, तो मैंने उसके साथ जस्टिफाई किया है, उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है, और एज एन एक्टर मैंने कहीं अपने आप को मतलब हमें उस कैरेक्टर के साथ न्याय किया है, ये मुझे लगता है। जी वो तो है, वो तो है। और क्या कुछ आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कैरेक्टर को लेके? सारे, बहुत सारे मेरे जो जानने वाले हैं चाहने वाले हैं, और जो नहीं जानने वाले थे और नहीं चाहने वाले भी थे, वो भी चाहने उन्होंने भी वो भी चाहना शुरू कर दिए हैं, और इनफैक्ट ऐसे चाहने वाले ज्यादा है जो उस कैरेक्टर को नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से रिएक्ट, उस तरह से प्ले हो, पोर्ट्रे हो। तो ये बहुत मिला जुला खट्टा मीठा सा मामला है, और इस लिहाज से और बहुत सारे मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे, लेकिन उसमें से दो चार कॉम्प्लीमेंट्स जो है जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसमें से एक विशाल भारद्वाज जी का मेरा नाम मेंशन करना बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब लेजेंड लोग हैं, और उनका सिर्फ नाम मेंशन भर कर देना अच्छा, मतलब ये बहुत ही बड़ा बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने उनको रीट्वीट भी किया था मैंने, सो वो मुझे बहुत आह्लादित करने वाला पल था जब उन्होंने मुझे मेंशन किया अपनी स्टोरी में। और उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने भी स्पेशली ट्वीट करके अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया है, और मेरे कैरेक्टर के बारे में और एज एन एक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखना है तो आप जरूर से रात अकेले देखिए, उसको मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ही इज अ वेरी डेडिकेटेड एंड इंटेंस एक्टर। तो मुझे लगता है इतना मतलब ये दो कॉम्प्लीमेंट ही सारे कॉम्प्लीमेंट में भारी है, लेकिन क्या है कि हम एक्टर हैं, तो पब्लिक अप्लॉज, पब्लिक के कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनका प्यार भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, उनकी ताली है तो हमारा हौसला है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, एग्जैक्टली सही बात कही आपने। और रवि जी, ये भी जानना चाहूंगी कि कितना आप वो शूटिंग की बातें अगर याद करें, हमें थोड़ा मेमोरीज शेयर करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, वो सारी चीजें। देखिए प्रियंका, क्या है कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, हमारे लिए वो नवाजुद्दीन भाई ही है, हम लोग अभी भी नवाजुद्दीन भाई ही एड्रेस करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ही पुराना है। मेरी पहली एक फिल्म में वो मेरे साथ थे, या ऐसा कह लें मैं उनके साथ था, ठीक है, पान सिंह तोमर में इरफान खान साहब के साथ फिल्म थी हमारी, इरफान खान साहब, मैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और तिग्मांशु धूलिया साहब, ठीक है, तो ये चारों ही उस फिल्म में थे। अब इरफान भाई तो रहे नहीं, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, तिशु भाई, मैं फिर से 8 साल बाद
पान सिंह तोमर के बाद इस फिल्म में एक साथ आए, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है मामला। मामला चेंज क्या है कि तिग्मांशु धूलिया सर उस समय डायरेक्टर थे उस फिल्म के, अभी एज एन एक्टर है, को एक्टर है। तो मुझे नवाज भाई के साथ बहुत ही, और इससे पहले भी पान सिंह तोमर के पहले भी मैं उनके साथ एक दो डिप्लोमा फिल्म कर चुका हूँ, क्योंकि मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, तो इस लिहाज से वहाँ की डिप्लोमा फिल्म में नवाज भाई काफी डिमांड में थे। नवाज भाई, दीपक डोबरियाल भाई, ये लोग उस समय बहुत ही उभरते हुए और बहुत ही पोटेंशियल वाले एक्टर्स थे, जो काफी डिमांड में थे। प्रोफेशनली फ्लोरिश नहीं किए थे, लेकिन काफी चर्चित एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर बहुत चर्चित नाम था। उन लोगों के साथ मैंने, दोनों के साथ मैंने काम किया, तो नवाज भाई के साथ भी मैंने डिप्लोमा फिल्म में काम किया है, और देन पान सिंह तोमर में काम किया है, और बीच बीच में मिलता जुलता रहा हूँ। वो तो उनके साथ एक अलग ही केमिस्ट्री है और अलग ही कम्फर्टनेस है, तो मुझे यू नो होता है ना, अरे नवाज सिद्दीकी साहब, मैं भी पका हूँ, मैं भी तपा हूँ, मुझे भी इंडस्ट्री में 10-12 साल हो गए हैं, कमोबेश रास्ता वही है जो जिस रास्ते से इरफान हुए हैं, जिस रास्ते से नवाज सर हुए हैं, उसी राह पर अभी मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कैसे कहाँ कैसे। तो ये घराना एक ही है। तो जब नवाज भाई के साथ जो काम हुआ है वो बहुत ही रिलैक्स वे में काम हुआ है, वो बहुत ही अच्छे, शुरू से ही एज अ सीनियर बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। और इसके अलावा भी बात क्या है कि जो सेट पे मैक्सिमम लोग थे वो सारे जैसे हनी त्रहान साहब हमारे डायरेक्टर हैं, हनी त्रहान साहब से बहुत पुराना तारुफ है, और वो खुद भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर रहा हूँ, तो उस लिहाज से उनसे जान पहचान, वो मुझे जानते हैं। और जो सिनेमाटोग्राफर हैं पंकज कुमार जी, जिन्होंने तुम्बाड़ का कैमरा मैन, हैदर वगैरह बहुत सारी फिल्मों का कैमरा किया है, बहुत उम्दा कैमरा मैन है, तो वो हमारे सीनियर हैं FTI से, कैमरा पास आउट है। जो साउंड है, साउंड जो इन्होंने साउंड किया है, लोकेशन साउंड, रविदेव सिंह उनसे एक साल सीनियर हैं, जो प्रोडक्शन डिजाइनर हैं रीटा घोष, मधुमिता, ये सारे जूनियर और बैचमेट्स हैं। तो कुल मिला के इतना कंफर्टेबल माहौल था, और तीशु भाई, एवरीबॉडी, तो उस लिहाज से। और एक्टर का सबसे पहला क्या होता है कि रिलैक्सेशन, उसका जो पहला टूल है रिलैक्सेशन। अगर आप बहुत ही रिलैक्स, कूल, काम एंड कंपोज्ड हैं, तो आपके परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वर्क करती है, और सिर्फ कैरेक्टर लिख भर देने से नहीं होता है। कैमरा का कैप्चर करना, डायरेक्टर का डायरेक्ट करना, लाइटमैन का लाइटिंग करना, गैफर का लाइटिंग करना, एक एक्टर के होने के नाते वो इनपुट देना, तो ये सारी कुछ, क्योंकि एक फिल्म जो है वो ग्रुप टीम के हैसियत से काम करता है, तो हर एक फील्ड अपने अपने पूरे जो है ना ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तभी चीजें वो निकल के आती है। सो ये हुआ है मामला। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हनी त्रहान साहब को कि एज ए डायरेक्टर उन्होंने काफी लिबर्टी दी मुझे चीजों करने के लिए। उनका पहला ही था, जिस दिन मैं पहली मीटिंग में उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रवि भाई ऐसा है कि आपको कहीं भी कुछ भी लगे आप स्क्रिप्ट पढ़ो, और उसमें अगर कोई भी सजेशन हो और मुझे लगे कि वो वाकई नीड है उसकी, तो मैं उसको चेंज करूंगा, नहीं तो जनरली डायरेक्टर नहीं करते कि भाई ये है ऐसा चाहता हूँ, ये है ठीक है, बोलते फिल्म उसके डायरेक्टर्स का मीडियम है, लेकिन उन्होंने लिबर्टी दी। और अगर एक्टर को खेलने के लिए मौका मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, और हौसला अफजाई होता है, बूस्टर मिल जाता है, तो वो उसी का फलाफल है केवल का ये परफॉर्मेंस, और इस कैरेक्टर का अलहदा होना, और इस कैरेक्टर का हिट होना। थैंक्स टू ऑल। जी, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अगर डायरेक्टर आपको इतनी लिबर्टी दे दे कि आप भी अपने इनपुट्स डाल सकते हो, तो फिर जो एक्टर होता है वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा फ्री समझता है उस टाइम पे कि हाँ चलो एटलीस्ट मेरे भी इनपुट्स को लिया जा रहा है। और अगर यार मैं आपसे पूछूँ कि है तो है ना कि अगर आपके पास कैरेक्टर आता है तो लोगों की एक पर्सनल प्रिपरेशन होती है, ये करते हैं वो करते हैं, आपने क्या कुछ इस कैरेक्टर के लिए किया, अगर आप बताना चाहें। है क्या कि ये कैरेक्टर जो है इट्स नॉट नॉर्मल कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर आउट ऑफ ब्लू कैरेक्टर है, मतलब आई मीन एलियन कैरेक्टर कह लेते हो, जैसे कि आशुतोष राणा जी थे संघर्ष में। यस हाँ हाँ, तो
जाहिर सी बात है अगर वो कुछ डिफरेंट है, अलहदा करेक्टर है, एलियन करेक्टर है, मतलब रोजमर्रे का करेक्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन होता है। स्पेशल प्रिपरेशन के लिए स्पेशल आपको यू नो आपके टूल्स लगते हैं। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी सीखा है एज एन एक्टर, चाहे थिएटर में, एफटीआई में, या पिछले जितने कामों में, उन सब कामों में एक जो है ना ब्रह्मास्त्र बचा के रखते हैं हम लोग, कि स्पेशल केस में निकाला जाता है जबकि युद्ध बहुत यू नो एकदम ऐसा हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उन सारी चीज़ों को दाव पे लगाते हैं, उन सब चीज़ों को निकालते, नहीं तो बार बार तो ऐसे काम चल जाता है। अगर स्पेशल तैयारी है तो स्पेशल चीज़ों का आना और लाजमी है, तो इसलिए उसके लिए तैयारी भी उतनी मजबूत की गई थी। तो उसके अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था प्रियंका कि इसमें मेरे डायलॉग्स नहीं है। अगर आपने फिल्म देखी है तो मतलब उसमें डायलॉग्स नहीं है, तो डायलॉग्स अपने एक्सप्रेशन अपने उससे ही आप एक्शन से ही काम करते हैं, तो डायलॉग्स नहीं है, दैट मींस कि मेरे लिए जो चैलेंज है वो डबल हो जाता है। और आप देखते हो कि किस तरह से एक्टर जैसे सेट पे पहुंचता है, कोई भी एक्टर सबसे पहले डायलॉग्स के लिए मरता है, यार मेरे डायलॉग्स क्या है, लाइंस क्या है, किधर है डायलॉग, स्क्रिप्ट किधर है, है ना। और इस बंदे के पास डायलॉग्स ही नहीं, मतलब इसको, तो मेरे लिए चैलेंज और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि आपको बिना बोले हुए आपको चीजें कह देनी है, और वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से कह देनी है, और जो कि दिल में एकदम अंदर तक उतर जाए वहां तक कह देनी है। तो इस चैलेंज को मैंने लिया, मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ, सारे प्रोसीजर से गो थ्रू हुआ हूँ, तो ये मुझे बहुत मजेदार लगता है कि ठीक है कैरेक्टर प्ले करने में ज्यादा तैयारी, चैलेंजेस लंबा हो मजे, ठीक है कैरेक्टर है, इसको इसको स्पेशली मुझे सिलेक्ट किया गया है इसको करने के लिए, मुझे भी उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। तो ये क्योंकि देखिए हनी साहब जो है, हनी त्रिहान साहब वो पिछले 15 साल से कास्टिंग डायरेक्टर रहे, पूरे इंडस्ट्री को जानते हो, और RSVB का प्रोडक्शन है, तो किसी भी इस रोल के लिए किसी भी एक्टर को साइन कर सकते थे, किसी बड़े कोई ऐसे यू नो प्रोमिनेंट चेहरे को कर सकते थे, लेकिन व्हाई मी, तो मतलब कि हनी साहब मुझ में कुछ तो पोटेंशियल देखे होंगे, कुछ तो मैंने विश्वास जीता होगा एज एन एक्टर इंडस्ट्री में लोगों का कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया बिना किसी के, और बुला के कि भाई आप करेंगे, कितना सम्मान। मैं बोला वो ठीक है, बोला स्क्रिप्ट मैंने सुनी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, चैलेंजिंग लगा, और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। लुक पे बैठ के काम कर रहे हैं और सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ बोलना नहीं था, तो कैरेक्टर का साइकोलॉजी पकड़ना बहुत ज़रूरी था कि सोचता क्या है। और जब आप होता क्या है कि आप जो भी सोचते हो वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप जनरली कभी ऑफिस जाओ या बाहर जाओ कभी, और आप जो है ना आप थोड़े से सैड हो, दुखी हो, तो लोग बोल देते हैं अरे प्रियंका आप कुछ बात है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं कुछ बात है, तो बोलते हैं हाँ। या अगर खुश होते हो आप तो जाते होते तो कुछ कुछ होता रहता है, तो उन्हें पूछते कि आज क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब तो कुछ हुआ है क्या, बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे बस ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो आप जो सोचते हो वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है, जो अंदर चलता है उसका रिफ्लेक्टर इंसान का यही है, यही पासपोर्ट साइज में भी यही लगता है, ठीक है। जब फोटो भी आप खिंचाओ, अगर ग्रुप फोटो है और आपका गर्दन कटा है, पूरा शरीर है, आपको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन पूरा फोटो है, पूरे शरीर गायब है, सिर्फ गर्दन आ गया, तो लोग पहचान लगे हैं प्रियंका। तो उसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए इतना सा, तो क्योंकि और सारे सेंसेस यहीं पे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट है ये आंखें। आप, मैं बोलता हूँ आप कोई फोटो लो, बहुत खूबसूरत एक मॉडल का फोटो लो, और उसका आंख, इसका जो आईबॉल है ना उसको वाइट कर दो, फिर देखो उस फोटो को, तो आईज की खूबसूरती बहुत, मतलब आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो चेहरा इंपॉर्टेंट, उसमें आईज इंपॉर्टेंट है, तो आईज बहुत कुछ कहता है, जो भी आप अंदर फील करते हो। तो मुझे उस कैरेक्टर का साइकोलॉजी जानना था, मैंने उसकी साइकोलॉजी को पकड़ा, उसको फील किया, मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, मैंने डेड सरफेस है, मैं जो अंदर सोचूंगा वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। और कोई व्यक्ति अगर नहीं बोलता है तो वो ऐसे ही रहस्यमय हो जाता है। अब वो अगर बोलने का मौका मिल जाए, अगर वो बोले तो अपने इमोशन वो इवोक कर देगा,
इमोशन इवोक कर देगा तो पता चल जाएगा वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में या क्या चाहता है और क्या मनोदशा है उसकी क्या है। लेकिन जो बंदा बोल ही नहीं रहा है आप उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उसका मूव उसका मूड और उसकी एक्टिविटीज के आगे करेगा क्या, तो आगे करेगा क्या, तो यही चाहिए था। तो मैंने उस कैरेक्टर का साइकोलॉजी पकड़ा और ना आप देखो उसका मूवमेंट वगैरह भी जो है ना कोई ऐसा वैसा नहीं है, मर्डर करता है प्रेम से आता है आराम से, सारा कुछ आराम से हो रहा है ठीक है, जिससे खौफ और बढ़ जाता है यार ये तो इसको से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, डेड है पूरा। तो मजेदार चीज थी और काफी मजा आया इसको इसके प्रिपरेशन। हाँ उसमें से अगर आपने प्रियंका देखा हो और दर्शक देखे होंगे तो उसमें एक सीन है वो मटन चॉपिंग वाला ठीक है, मैं मटन चॉप नवाज भाई मतलब जटिल यादव आते हैं पूछताछ होती है, तो उस सीन के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्स आए मेरे पास कि भाई वो क्या था, तो क्या थोड़े से टाइम में जितना भी टाइम आपको मिला उस टाइम में ऐसा मतलब समा बांध दिया मतलब मजा आ गया। तो अब चूंकि मैंने मेरा मटन का शॉप है ना मैंने कभी मटन चॉप किया है तो कैसे, तो मेरा क्या मानना है कि मेरा मेथड है मेरा ना, मैं बहुत रियलिज्म और रियलिस्टिक एक्टिंग को प्रेफर करता हूँ, मेथड है थोड़ा सा उस तरह का स्कूलिंग है। तो मैं बोला कि मैं जिस सीन से और जिस एक्टिविटी से मैं खुद कन्विंस नहीं होऊंगा तो मैं ऑडियंस को कैसे कन्विंस कर पाऊंगा या ऑडियंस कैसे कन्विंस होगी। तो आप यकीन नहीं करोगे प्रियंका कि मैं मेरे पड़ोस में मतलब थोड़े डिस्टेंस में मार्केट है, मार्केट में एक ताहिर मटन शॉप है, मैं वहां पे जाता था जब भी लीजर पीरियड होता जब भी खाली होता था जाके वहां पे देखता था भाई क्या काटते हैं कैसे काटते हैं क्या है क्या रिदम है क्या है। अगर आप उस सीन में गौर करें तो मैं वहां से सीखा हो जा रहा हूँ, उस सीन में आप गौर करेंगे तो उनके सारे सवालों का जवाब मैंने काटने के रिदम से दिया है ठीक है, जो पूछा गया है उसका उस तरह से उसमें जवाब दिया गया है। वो चीज वर्क किया मेरे लिए और ये सब तो कॉमन बात है कि मैंने अपने आप जिस तरीके की आप मेहनत बता रहे हैं जितनी मेहनत आपने की उतनी आपको तारीफें मिल रही है, उतना ही आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है अपने आपके कैरेक्टर के लिए। और रवि जी ये जानना चाहूंगी आगे क्या कुछ अपकमिंग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। अपकमिंग दो तीन फिल्म है जो कि अभी प्रयासरत है हमारे प्रोड्यूसर OTT का प्लेटफॉर्म मिल जाए उनको अभी और बहुत ही मुफीद समय है अलग वैरायटी के फिल्मों का के लिए OTT प्लेटफॉर्म में, तो उस लिहाज से एक बहुत ही मजबूत और अलहदा फिल्म है, डिफरेंट फिल्म है, उसका नाम है स्प्रिंग थंडर, दैट मींस हिंदी में इसका मतलब हुआ बसंत का वज्रनाद। जनरली बसंत के मौसम में थंडरिंग नहीं होती है तो ये उसका नाम है। और इसका जो कंटेंट है जो सब्जेक्ट है ये झारखंड में टोटल शूट है, झारखंड की पृष्ठभूमि पे है ये, ऑल अबाउट माइनिंग माफिया, माइनिंग में भी यूरेनियम माइनिंग माफिया, यूरेनियम बहुत प्रेशियस यू नो धातु है और उसी से सारा खेल है, जितना परमाणु एटम बम सब उसी से होना है, That's why वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। तो यूरेनियम माइनिंग माफिया वर्सेस ट्राइबल जो वहां के जनजाति है, ट्राइबल रिहैबिलिटेशन और लैंड का मामला है, भूमि अधिग्रहण वाला है, तो उनको अपने जगह से जो मूलभूत उनका जगह है जो पुश्तैनी उसके पुरखे वहां रहते हुए आए हैं उस जंगल में से उसे उसको विस्थापित करके वहां पे प्रकृति को तहस नहस करने की कवायद है, जल जल तो उसके एवज में उसके खिलाफ इन आदिवासियों की लड़ाई है, तो इन आदिवासियों के मुख्य किरदार में मैं हूँ जो आदिवासियों का लीडर है जो आदिवासियों के पक्ष में आवाज उठाता है और उनके लिए आखिरी सांस लड़ता है। तो बहुत ही अभी के हिसाब से बहुत जरूरी फिल्म है और इसमें एक अलग तरह का रवि आपको देखने को मिलेगा, अभी तक आपने देखे होंगे चाहे पान सिंह तोमर में आपने देखा कि किस तरह से वो अलहदा कैरेक्टर है, यंग सा बंदा तरहता हुआ आता है, बात बात पे बंदूक निकाल लेता है, एनर्जेटिक बंदा है, थोड़ा स्लिम भी है। दूसरे आप दूसरी तरफ इसमें देखेंगे जामताड़ा में देखे तो एडिटर इन चीफ समय उजाला
किस तरह से मौका परस्त काया जी। तो वो अलग तरह का कैरेक्टर है। और इसमें देखिए आप रात अकेले तो उसी तरह ये वाला स्प्रिंग, ये भी एक अलग रेबेलियस कैरेक्टर है, बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है। आप सोचो कि जंगल जंगल के बीच एक जनजाति, एक आदिवासी उसका लीडर, और वो फूल और पूरे जंगल को आवाज वहां तक पहुंचती है, संसद तक, तो उतना पावरफुल। जी। और तो रेवलियस कैरेक्टर है, बहुत क्रांतिकारी बंदा है, और मुझे काफी मजा आया है इसको प्ले करने में। और फिल्म बन के तैयार है, इसको श्याम बेनेगल साहब ने देखा है, प्रहलाद कक्कड़ जी ने देखा है, इनफैक्ट देखा है, और उन्होंने काफी उनकी तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के आने के बाद एक और नया जो है ना, एक एड ऑन अनदर फेदर इन माई कैप, सो वो प्रचंड रोल है। सो उसके अलावा एक दो फिल्में और हैं। जी। इंतजार रहेगा रवि जी आपके आने वाली फिल्मों का, और आपको अलग कैरेक्टर में देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम इंतजार करेंगे। और हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से हम आगे बातें करते रहेंगे।